ओम गणेशाय नमः। आज हम शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाना चाहिए इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी पुण्य के भागी बने और भगवान शिव की असीम कृपा पर बरसे। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुसा जल से अभिषेक करने पर रोग एवं दुख से छुटकारा प्राप्त होता है। दही से अभिषेक करने पर पशु वाहन और भवन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस के अभिषेक करने पर लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शंकरा मिश्रित अभिषेक करने से सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग और शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षीण होते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। धन संपत्ति दोनों में वृद्धि होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क अधिक तीव्र हो जाता है और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीवी और मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से शारीरिक बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शम्मी के पत्ते को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और इन सभी कार्य को सोमवार त्रयोदशी शिवरात्रि या श्रावण मास में नित्य करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ नागेश्वर भीमा शंकर त्रंबकेश्वर घृणेश्वर वैजनाथ महाकालेश्वर ओमकारेश्वर काशी विश्वनाथ केदारनाथ रामेश्वरम मल्लिकार्जुना। ओम नमः शिवाय।